नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवैध कट्टा फैक्ट्री सहित 10 लोगों को किया गिरफ्तार। छतरपुर IGSP के निर्देशन में छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 अवैध कट्टा फैक्ट्रियां जब्त, 10 कट्टे कारतूस व भारी मात्रा में कट्टा बनाने का सामान जब्त। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में बेचते थे अवैध कट्टे। IG अनिल शर्मा, SP सचिन शर्मा के निर्देशन में छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आचार संहिता लगते ही पुलिस हुई सख्त। 3 कट्टा फैक्ट्रियां की जब्त, 3 फैक्ट्री संचालक व 7 कट्टा खरीदने वाले युवक गिरफ्तार। 10 अवैध कट्टे कारतूस व कट्टे बनाने का सामान किया जब्त। SP सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया खुलासा। SP सचिन शर्मा ने बताया, एक कट्टा फैक्ट्री थाना लोगासी क्षेत्र से, 2 अवैध कट्टा फैक्ट्री प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र से पकड़ी गई है। इसमें 3 व्यक्ति संचालकों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 10 अवैध कट्टा लिए घूम रहे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ओरछा रोड थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री ने युवकों को गिरफ्तार किया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने आशीर्वाद प्रकाश बमोरी थाना क्षेत्र से खरीदे। SP के निर्देशन में DSP राजेश्वरी कौरव के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई और प्रकाश बमोरी छापामार कार्यवाही कर 3 फैक्ट्रियों को जब्त कर फैक्ट्री संचालित करने वाले अजय तिवारी निवासी प्रकाश बमोरी, कौशल किशोर विश्वकर्मा निवासी नरेश विश्वकर्मा निवासी लुगासी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य 7 लोगों को अवैध कट्टा लिए गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू की रिपोर्ट। छतरपुर जिले में हो रहे संगठित अपराध के विरुद्ध ये हमारी कठोर कार्रवाई रही है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पे हो रही खासकर जो अवैध कट्टों की फैक्ट्रियां थी, संचालित की जा रही थी, उनकी धरपकड़ में 10 आरोपी राउंडअप किए गए हैं। 3 उसमें मुख्य सरगना हैं जो कि इन फैक्ट्रियों को संचालित कर रहे थे। इसमें लुगासी का नरेश विश्वकर्मा था, उसको गिरफ्तार किया गया है। प्रकाश भमोरी का अजय तिवारी और कौशल विश्वकर्मा की गिरफ्तारी की गई है। इन फैक्ट्रियों से जिन्होंने हथियार लिए थे, जो अन्य 7 लोग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी आज की गई है और आने वाले समय में बाकी जिन लोगों ने भी यहाँ से हथियार लिए हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। कब से ये काम चल रहा था सर? कितने समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह है जो खासकर मध्य प्रदेश और UP की सीमाओं पे ऑपरेट करता है और कोई भी जब इनसे माल मांगता है तो उसको ये सप्लाई करता है। कब से सप्लाई कर रहे थे ये सर? कब से? अभी तक की जानकारी के हिसाब से एक जो हथियार है वो 2500 से 5000 तक के बेचा करते हैं। अच्छा, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, बड़ा मंगा रहा उपचुनाव भी है, तो क्या चुनाव में प्रयोग के लगा निश्चित तो नहीं है इस तरह के चुनाव में? इसमें अभी तक इस तरह की कोई बात निकल के नहीं आई है। हमारा प्रयास भी यही था, काफ़ी टाइम से हम इसको डेवलप कर रहे थे। लुगासी के और प्रकाश भमोरी में इस तरीके की शिकायतें आती थी कि अवैध फैक्ट्रियाँ संचालित होकर जिले में लाई जाती हैं, तो जितने भी ऐसे लोग थे एक ही बार में सभी को राउंडअप करके जेल भेजा गया। जिन लोगों को सर इन्हें कट्टे भेजे हैं वो क्या दोबारा पकड़ गया?